मित्रों, हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने जान पहचान वालों से कर्ज लेने की जरूरत महसूस होने लगती है। मित्रों, कभी कभी कर्ज इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि उसे चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर यूं कहें कि वह गले की हड्डी बन जाता है, जिसे ना तो उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए, जिससे आप किसी भी तरह के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। किन्हीं कारण से अगर आप कर्जे में डूब गए हैं, तो इसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। इससे आपको तुरंत कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर एक, मित्रों, हनुमान जी की पूजा और उनकी भक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन मंगलवार का माना जाता है। इस दिन आप कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। और मित्रों, भूल कर भी बुधवार और रविवार के दिन किसी को उधार ना दें। नंबर दो, किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आटे से निर्मित दीपक को बरगद के पत्ते पर रखकर जलाना चाहिए। पांच पत्तों पर पांच दीपक रखें और उन्हें ले जाकर हनुमान मंदिर में रख दें। यह उपाय लगातार 11 मंगलवार तक करें। नंबर तीन, मित्रों, जो व्यक्ति अधिक कर्ज में डूबा है, वह शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार की रात हनुमान मंदिर में जाकर दो दीपक जलाए। पहला एक छोटा दीपक देसी घी में और दूसरा 9 बत्तियों वाला बड़ा दीपक सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर जलाएं। ध्यान रहे, यह दीपक रात भर जलता रहे। छोटा दीपक अपनी दाहिनी तरफ रखें और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने रखें। ये उपाय 5 मंगलवार तक करें। तो मित्रों, हमें आशा है कि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और संपूर्ण ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।